देखो लास्ट टाइम हम लोग डायमेंशन के है ना एडवांटेज, डायमेंशन के एप्लीकेशन के बारे में अभी तक हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें तुमको बताया गया है कि डायमेंशन के हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं। डायमेंशन के हेल्प से किसी इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट होने का आप डिसीजन ले सकते हैं। डायमेंशन के मदद से आप फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशन की मदद से आप न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदल सकते हैं। तो ये सब आप एडवांटेज के तौर पे देखें कि डायमेंशन के पढ़ने से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायमेंशन पूरा का पूरा है ना सब चीज आपको कर देगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन एक थ्योरिटिकल सेक्शन है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी आप देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। देखिए सबसे पहला है लिमिटेशन का, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डायमेंशन की मदद से अगर आप किसी इक्वेशन के करेक्टनेस का चेकिंग करते हैं तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ हो जाता है, लेकिन फिजिकली वो करेक्ट भी हो सकता है या इनकरेक्ट भी हो सकता है। सर क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि डायमेंशनली कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है तो वो सही में करेक्ट या इनकरेक्ट कुछ भी हो सकता है। सर ये क्या बोल दिए सही में? देखो भाई, जैसे मान लो हमारे पास एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तुम लोग इस इक्वेशन को पहचानता है। अगर आप s का डायमेंशन निकालेंगे, अगर आप ut का डायमेंशन निकालेंगे, अगर आप हाफ at स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे, ये सब डायमेंशन l आएगा, सो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशन से प्रूफ हो चुका है कि सब टर्म का डायमेंशन सेम है, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हम तुमसे एक चीज पूछना चाहते हैं। मेरे पास एक दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर, इसमें हाफ नहीं लगा हुआ, ध्यान दे देना, हाफ नहीं लगा हुआ। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा आप सब कुछ सोच के बताइएगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन सही है या सेकंड वाला इक्वेशन सही है? फर्स्ट वाला सही है। लेकिन डायमेंशनली अगर आप जाएंगे तो अभी भी s का डायमेंशन, ut का डायमेंशन और at स्क्वायर का डायमेंशन, सबका डायमेंशन सेम आएगा। मतलब डायमेंशनली तो वन और टू दोनों सही है, बट फिजिकली ऊपर वाला सही है लेकिन नीचे वाला फिजिकली इनकरेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट होगा वो मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट होगा। मतलब फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, जैसा कि एग्जाम्पल वन देखो, डायमेंशनली भी करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है। लेकिन एग्जाम्पल टू देखो, डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट। तो कोई भी दिया हुआ इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट या इनकरेक्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे स्टार मार्क देके एक लाइन खुद से आपको सिखाना चाहते हैं। याद रखिएगा कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, कोई इक्वेशन है जो फिजिकली करेक्ट है, देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। वो डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगा, ठीक है? देखो जी, फिजिक्स का यही सब लैंग्वेज तुम्हारे दिमाग को शुरुआत से फिजिक्स के हिसाब से ढालता है। डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगा। आप इस लाइन को याद रखिएगा। चलिए दूसरा इक्वेशन देखिए। डायमेंशन के हिसाब से जब आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे थे, पिछले दिन आप बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए हैं, छोटा बड़ा सब तरह का, उसमें देखिएगा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है कि सही है। yes, डायमेंशन आपको कभी भी के का एग्जैक्ट कितना वैल्यू होगा, मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, वो कभी नहीं बताएगा। पता है आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक्चुअल फॉर्मूला होता है 2π अंडर रूट l / g। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज है। कोई भी सिंपल पेंडुलम का अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू 2π अंडर रूट l / g। लेकिन डायमेंशन से जब आप डेरिवेशन करते हैं तो 2π के जगह k आता है, k का वैल्यू डायमेंशन तुमको कभी नहीं बताएगा। k का एग्जैक्ट कितना वैल्यू होता है डायमेंशन तुमको कभी नहीं बताता। इज दिस क्लियर? यस सर। अब यही yes, सर।
डेरिवेशन जब किया था तो यहाँ के आया था, के ईटा आर वी, लेकिन के का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 6 पाई। हम आपको बता देते हैं ये इक्वेशन होता है 6 पाई ईटा आर वी। डायमेंशन तुमको कभी नहीं बताएगा कि के का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। तो सर कैसे पढ़ेंगे? हम बोले आज तो फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, सब पढ़ेंगे, हम ही लोग डिराइव करके निकालेंगे। ओके, डायमेंशन से नहीं निकलेगा, बस ये ध्यान। तो दूसरा लिमिटेशन भी हो गया। अब आगे सुनो, डायमेंशन की मदद से हम लोग केवल वैसे ही इक्वेशंस को डिराइव करते हैं जिसमें प्लस या माइनस साइन ना हो। ऐसा इक्वेशन जिसमें प्लस माइनस साइन नहीं है, आप डायमेंशन उसको डिराइव करते हैं। जैसे इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखिए, इसमें के अंडर रूट एल बाई जी है, कहीं प्लस या माइनस नहीं है, तो डायमेंशनली आप इसको डिराइव करते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में क्या है कि एक जगह प्लस साइन दिया हुआ है, तो अगर ये प्लस साइन है तो डायमेंशन से आप कभी भी इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते। डायमेंशन से केवल और केवल वैसे ही इक्वेशंस का डेरिवेशन किया जा सकता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो। अगर किसी इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस साइन आ गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन आ गया, डायमेंशन से कभी भी आप उसका डेरिवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बताना क्या हम लोग इस इक्वेशन को डायमेंशनली डिराइव कर दे? नो सर, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें है ना प्लस साइन। ओके, तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें डायमेंशनली प्लस माइनस साइन रहता है, आप उसको डेरिवेशन में नहीं ला सकते, डिराइव नहीं कर सकते। अच्छा, अभी हमको ये बताइए, ये जो हम यहाँ लिखे हैं, क्या तुमको ये पहले से पता है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशन लेस होता है, हर लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, एक्सपोनेंट डायमेंशन लेस होता है? ओके, तो डायमेंशनली आप वैसे इक्वेशन को भी डिराइव नहीं कर सकते जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल हो। ठीक है ना, अगर किसी इक्वेशन के अंदर देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, तो इस इक्वेशन को कैन नॉट बी डिराइव्ड, कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। आप डायमेंशन के एनालिसिस से ऐसे इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते। कारण क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो होगा तो वो डायमेंशनलेस कैटेगरी में आएगा, लॉगरिथमिक कोई भी फंक्शन होगा डायमेंशनलेस होगा, एक्सपोनेंशियल कोई भी होगा डायमेंशनलेस होगा। इज दिस क्लियर? इस पर हमने बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बना रखे थे ना? यस सर, ठीक है ना, इस पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी कर रखे। चलो मान लो एक क्वेश्चन हम तुमसे रिपीट कराना चाहते हैं, थोड़ा हम देखना चाहते हैं। बोला गया है, चलो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बड़ा करके लिखते। बोला गया वर्क इज इक्वल्स टू अल्फा लॉग बीटा बाई टी। तुमको बोला गया W जो है वो वर्क है और T टाइम है, उसके बेसिस पे अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताएं। कोई आप में से ये क्लियर बता सकता है कि बताओ इसमें से बीटा का डायमेंशन क्या होगा? T माइनस वन। क्या बीटा बाई टी वन होता है? याद आया बीटा बाई टी वन? अरे बोलो बोलो। yes, सुनाई नहीं दिया, बोलो। तो क्या हम बीटा को सीधा टी से टी के बराबर कर दे? कहने का मतलब टी हो गया खत्म। अब देखो ये जो मेरा पूरा का पूरा टर्म है जिसको हम अभी ग्रीन कर रहे हैं, जिसको हम ग्रीन सर्कल में ला रहे हैं, ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस है, तो जो डब्लू का डायमेंशन है वही ना अल्फा का डायमेंशन है। yes, तो जो हमारे अल्फा का डायमेंशन है वो एक्चुअली वर्क डब्लू के डायमेंशन के बराबर है। So your answer is ml square t minus 2। हो गया दोनों का आंसर फटाफट। तो ऐसे ही याद करके काम करके है ना, फटाफट बनाना है, चीजों को लेके चलना है। चलिए यहाँ पे हमको बताइए, आपसे पूछेंगे अगर हम बीटा का डायमेंशन, कोई बता सकता है देख के बीटा का डायमेंशन? t minus 1। 1 by t कहने का मतलब t के पावर माइनस वन। 1 by t कहने का मतलब t पे पावर माइनस वन। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला पूरा का पूरा टर्म डायमेंशनलेस होता है, पूरा का पूरा टर्म डायमेंशनलेस होता है, तो अल्फा बाई बीटा को इक्वेट कर सकते हैं पी से। तो आपको मिला अल्फा बाई बीटा इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। याद आ रहा? याद आ रहा? भूले नहीं ना हो? यस सर। आवाज नहीं आई, बोलो फटाफट। यस सर। ठीक है, प्रेशर इनटू बीटा, तो प्रेशर का डायमेंशन आपको याद है ml माइनस वन टी माइनस टू, और बीटा आप निकाल चुके ऊपर पे टी माइनस वन,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा का डायमेंशन हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस थ्री, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको ये सब चीज है ना पहले से करा रखा गया है, हो गया, यही था आपके डायमेंशन में। अब आपको है ना ये पांचवा नंबर एक लाइन बता दे बस, उसके बाद एक नया टॉपिक। डायमेंशन के हेल्प से कैन नॉट बी डिराइव दोस फिजिकल इक्वेशन विच कंटेन आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसी में भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो है उसको आप डिराइव नहीं कर सकते, कोई भी अगर लॉगरिथमिक फंक्शन उसको आप डिराइव नहीं कर सकते, कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको भी आप डिराइव नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? यस सर। ये था डायमेंशन का लिमिटेशन, ये था डायमेंशन का लिमिटेशन, ये था डायमेंशन का लिमिटेशन। क्या यहाँ तक किसी को कोई चीज समझने में दिक्कत? नो सर। तो डायमेंशन एक पार्ट आपका यहाँ तक खत्म। अब आपके पास जो स्टार्ट होता है दैट इज एरर्स एंड मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के अंदर कुछ तरह का गलती होता है, अनसर्टेनिटी आता है, उसको कहते हैं एरर। अब देखिए पहले इस चीज को आप समझिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, तब फिर हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट कौन मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेगा, आपको कुछ डाटा हम पूछेंगे बताना पड़ेगा। कोई नहीं, अरे यार बोलना है थोड़ी ना, हम अभी तुमको कुछ कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल देंगे, कुछ नहीं। अच्छा चलो किसी को हम ही पकड़ लेते हैं, अपने से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। हाँ जी अभिषेक कुमार, अभिषेक आवाज आ रही है? बोला आपको म्यूट कर देंगे, आप कहां से पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, अच्छा कोई और? कोई नहीं पार्टिसिपेट करेगा, आवाज नहीं आ रही है मेरी। वाह वाह भाई वाह, दिस इज अटेंटिविटी, आपके सब्जेक्ट के प्रति आपका प्यार दर्शाता है, आपके है ना आपको सीखने का कितना जज्बा है, आपके अंदर सीखने का कितना लगन है, इसको ये सिखाता है। ठीक है शांतनु घोष सर, आप क्या बोले, वो मेरा नेटवर्क वीक हो गया था तो हमको सुनाई नहीं दिया। ये कह रहा है ना कि एक छोटा सा है ना बात पूछेंगे, मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम लोग उसका उसी का आंसर पूछना है बस, मतलब कुछ डाटा पूछना और कुछ नहीं। चलिए कोई बात छोड़िए, हम ही आपको बताते। मेरे पास एक मेरा सहपाठी है, सही लिखे हिंदी, मेरा सहपाठी है, उस सहपाठी से हम पूछे, सहपाठी मतलब फ्रेंड, ओके, किस ब्लॉक का मास बताओ। तो वो क्या किया ना, एक मेजरमेंट किया, वो तुरंत एक है ना वेट मेजरिंग मशीन लाया, पहले वो अंदाज लगाया और अंदाज लगा के वो फर्स्ट टाइम में रीडिंग दिया, बोला कि देखो इसका मास जो है वो 2.4 केजी। हम बोले वेरी गुड, हम बोले चल भाई ऐसे तो नहीं होगा, थोड़ा सा और एक्यूरेट बताओ। तो बोला ठीक है चलो बगल वाले किराने दुकान पे चलते हैं। तो वहां पे किराने दुकान पे गया तो वो ऐसा वाला जो पुराना वाला तराजू नहीं होता ऊपर नीचे करता, उस पे वो वेट का मेजरमेंट लिया। तो बोला देखिए ये 2 केजी 400 ग्राम के आसपास है, मतलब 450 ग्राम आप बोल लीजिए, ठीक है 2 केजी 450 ग्राम के आसपास है, ऐसा वो बोला। हम बोले नहीं यार इतना से एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा और बोलो। तो बोला रुकिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मशीन है, देखे ना नया वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वेट मेजरिंग मशीन, उसको निकाले, उस पे उसको रख दिया और रख के मेजरमेंट किया, बोला देखिए इसका वजन जो है वो 2403 केजी तक। हम बोले नहीं इतना से नहीं होगा, हमको और एक्यूरेट चाहिए। तो अब बोला कि चल भाई अब तेरा काम है ना, इसे मोहल्ले में नहीं होगा, तुम चलो किसी गोल्ड स्मिथ के घर, मतलब गोल्ड स्मिथ के दुकान पे, सोनार के दुकान, सोनार का देखना इक्विपमेंट बहुत प्रिसाइज होता है क्योंकि वहां कोई केजी में तो कम खरीदने वाले होते हैं, ठीक है वहां तो मिलीग्राम और ग्राम का बात होता है, तो उन लोग का जो इक्विपमेंट है वो और भी है ना डेसिमल के और अंदर तक जाके मेजरमेंट करता है।
तो वहां ले जाके मेजरमेंट किए तो ये वैल्यू आ गया इतना। हम बोले नहीं नहीं थोड़ा सा, तो बोला आप तेरा काम है ना इधर नहीं होगा, आप तुमको साइंटिफिक लैब में जाना पड़ेगा। तो हम साइंटिफिक लैब में गए जो है ना इसको माइक्रोग्राम तक मेजर करने का एबिलिटी रखता है, और वहां पे ये मेजरमेंट आ गया इतना। मतलब अगर इक्विपमेंट और भी अच्छा होता, अगर इक्विपमेंट मेरा और भी अच्छा होता तो क्या हम इसके और नीचे तक मेजरमेंट को एक्यूरेट कर लेते? यस सर, यस सर। अब सोचो कि अगर इक्विपमेंट को और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते जाए तो कभी भी जाके कोई एक एक्चुअल एक वैल्यू आएगा जहां हम बोलेंगे नहीं अब हो गया, अब इससे ज्यादा और आंसर नहीं होगा? नो सर, सर एक्यूरेट आएगा? एक्यूरेट नहीं आएगा भाई। अगर मान लो इक्विपमेंट और अच्छा लेगा तुम, तो तुम बोल देगा सर 450368 लीजिए सर 3 आ गया। फिर और अच्छा इक्विपमेंट लेगा तो तुम बोल देगा 2.4503, फिर क्या था 6839 या 4, समथिंग लाइक दैट। मतलब इसका कोई एंड नहीं है, हम ये बताना चाहते इसका कोई एंड नहीं है। क्या बोलते हो, सही है? यस यस सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं 2.40 तो वो उसका एक्चुअल वैल्यू तो होता नहीं। अभी हम बोलेंगे कि पेन का मास बताओ, तो पेन का मास कोई बोलेगा सर 100 ग्राम, हम बोलेंगे नहीं भाई 100 ग्राम नहीं, तो बोलेगा ठीक है सर 100 ग्राम से 5 ग्राम बढ़ जाइए, ठीक है ना। मतलब आप इसका एक्यूरेट एग्जैक्ट मास नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहला लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके पास, कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 100% एक्यूरेटली कभी मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना सर। हम लोग हमेशा अप्रोक्स में मान के चल सकते हैं। बिल्कुल, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट। क्या मेरे ये लाइन आप सबके दिमाग में गया? यस सर। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कभी भी आप 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो अगर मेजरमेंट 100% नहीं करेंगे तो जो भी हम उसका वैल्यू लिखेंगे उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी होगा। सो देयर इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हर मेजरमेंट को जो भी आप करते हैं, आप अगर पेन का लेंथ बोलते हैं 10 सेंटीमीटर, आप अगर अपने बैग का मास बोलते हैं 5 kg, आप अगर किसी अपने फोन के जो सामने वाला एरिया उसका अगर कुछ वैल्यू बताते हैं, तो हर जगह जो भी आप वैल्यू बताते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर वो 100% एक्यूरेट नहीं है तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, और इसी मेजरमेंट के अनसर्टेनिटी को आप कहते हैं एरर। इज दिस क्लियर? यस सर। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी लेते हैं वही उसका एरर कहलाता है, ठीक है ना, वही उसका एरर कहलाता है। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत याद तक समझने में? नहीं। अब आपको पता है ये जो अनसर्टेनिटी डेवलप होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, ये अनसर्टेनिटी बेसिकली है ना दो कारण से आता है। बेसिकली दो कारण से, उससे ज्यादा भी कारण हो सकता है। एक होता है इंस्ट्रूमेंट गलत हो, और दूसरा जो आप लोग एज ए ऑब्जर्वर लेते हैं रीडिंग, वो ह्यूमन केयरलेसनेस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमारा कोई एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंट करता है तो वो अगर 100% अपना सही तरीके से रीडिंग ना ले तो वो भी एक तरह का एरर है, और आप जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं किसी मेजरमेंट में अगर उसमें किसी तरह का रॉन्ग कैलिब्रेशन है और समथिंग कुछ रॉन्ग है, वो खराब है, तो भी उसका रीडिंग में है ना गड़बड़ आएगा, वो भी एक तरह का एरर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर।
तो इस तरह से आप एरर को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक था इंस्ट्रूमेंट की वजह से बेसिकली एग्जिस्ट करने वाला एरर, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ये कहलाता है सिस्टमैटिक एरर, और ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से इसको कहते हैं रैंडम एरर। तो एरर मेनली दो तरह का, एक कहलाता है सिस्टमैटिक एरर और एक कहलाता है रैंडम एरर। ठीक है, तो यहां तक सारे चीजों को अब आप है ना क्लास के नोट्स पे आ जाइए और फटाफट देखिए निकलेगी आगे। देखिए अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। ठीक है, दो तरह का होता है, एक है सिस्टमैटिक दूसरा है रैंडम। सिस्टमैटिक एरर जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर का एरर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर का एरर, अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो चाहे वो पॉजिटिव होगा एक बार तो वो हर बार पॉजिटिव रहेगा, और अगर वो निगेटिव होगा एक बार तो हर बार निगेटिव होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि सिस्टमैटिक एरर इज दैट एरर विच इज आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव। सर इसका मतलब बता दीजिए, आप किसी दुकान पे गए हैं, सामान खरीदने गए हैं, कुछ मास्क खरीदने गए हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मीटर है उसके अंदर जब 0.00 शो करना था उस समय वो ऑलरेडी है ना 10 ग्राम शो कर रहा है, 10 ग्राम शो कर रहा है, 10 ग्राम शो कर रहा है जब उसको जीरो दिखा रहा। अब अगर आप वहां पे 1 kg सामान खरीद लिए, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो बताइए अगर वो 1000 देख के आपको सामान दे दिया तो आपको क्या 1000 ग्राम मिला है? नो सर। कितना मिला आपको? 100 ग्राम। 990 ग्राम, 10 ग्राम था ना, 10 ग्राम कम मिला ना? यस सर। 990 ग्राम। अच्छा अगर आप कोई दूसरा दोस्त आपका जाएगा वहां पे सामान खरीदने, ठीक है, और उसको 800 ग्राम वो देख के दिया है तो क्या उसको 800 ग्राम मिला है? नो सर। कितना? 790 ग्राम। 790 ग्राम। अच्छा कोई अगर 500 ग्राम खरीदेगा उसको 490 मिलेगा, कोई 400 ग्राम खरीदेगा उसको 390 मिलेगा, मतलब हमेशा जो रीडिंग आएगा उसमें से 10 आपको माइनस करना पड़ेगा, हमेशा माइनस 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 करना पड़ेगा। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, अच्छा इसी के जगह थोड़ा रिवर्स कर लो, अगर वहां पे जब उसको 0.000 शो करना था उस समय अगर वो -10 ग्राम शो कर रहा, -10 ग्राम, तो अगर तुम 1 kg खरीदोगे तो तुमको मिलेगा कितना? क्या 1 kg 10 ग्राम मिलेगा? Yes, sir. अगर तुम 800 ग्राम खरीदोगे तो क्या तुमको 800 ग्राम प्लस 10 ग्राम मिलेगा? Yes, sir. उस केस में हमेशा प्लस 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 होते रहेगा। बोलो समझे? Yes, sir. इसलिए बोला गया है इट इज आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, या तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है या हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन दूसरा जो रैंडम एरर है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाता है, जैसे ह्यूमन का एरर। अब आप पहुंच जाइए ये तराजू वाले पर, ये तराजू वाले पे पहुंच जाइए, दुकानदार का किसी दिन दिल खुश है, मन अच्छा है, भावना से उत्प्रोत है, तो 1000 मतलब 1 kg के जगह पे वो तुमको 1 kg 10 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया। बोलो सही है? +10। किसी दिन मूड खराब है तो दंडी मार दिया और वो ने 1000 ग्राम के जगह पे 100 ग्राम कमे दिया, तुमको 900 ग्राम दे दिया। बोलो सही है? Yes, sir. तो उस केस में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो रैंडम एरर प्लस भी हो सकता है, रैंडम एरर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन सिस्टमैटिक एरर अगर एक बार प्लस हुआ तो बार बार प्लस होगा, अगर एक बार माइनस हो गया तो बार 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 माइनस होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए बढ़िया, वेरी गुड। अब आइए एक बात पे, बात ये था कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को बार 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 मेजर करें तो उसका रीडिंग हर बार अलग है। मान लो ये एक रीडिंग है, ये एक दूसरा रीडिंग है, ये एक तीसरा रीडिंग है, ये एक चौथा रीडिंग है, ऐसे ही करके 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 मान लो एन बार में ये रीडिंग, हर बार अलग रीडिंग। अब तो हम प्रॉब्लम में फंस गए, सर अगर हर बार ही मेरा रीडिंग अलग 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 आ रहा है
तो आखिर हम इस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू लेंगे क्या? ठीक है, अगर रीडिंग ही हर बार अलग अलग आ रहा है तो आखिर हम फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या लेंगे? यहां से एरर का पहला न्यूमेरिकल सेक्शन तुम्हारा स्टार्ट होता है। सो बी केयरफुल, एरर का न्यूमेरिकल सेक्शन आपके सामने हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इस पे है ना ध्यान लगाइए, अच्छे से चीजों को देखिएगा और समझिएगा। ये एरर का फर्स्ट है जहां आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, जैसे हम लोग के पास एक फिजिकल क्वांटिटी है y मान लो, और इसको हम लोग है ना n टाइम्स अलग अलग मेजरमेंट किए। जब हम लोग इसको n टाइम्स अलग अलग मेजरमेंट किए तो हर बार रीडिंग अलग अलग। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस यस सर। तो ऐसे करके n बार में अलग अलग रीडिंग आ गया, हर बार अलग अलग रीडिंग आया। जैसे कैसे आया सर, तो जो अभी हम आपको यहाँ पे दिखाए थे बिल्कुल उस तरह का है कि हर बार एक अलग अलग रीडिंग है। इस क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना कि हर बार अलग रीडिंग है? Yes, yes, sir. तो आखिर इस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू लिया कितना जाए, कितना माना जाए उसका वैल्यू? जब हर बार रीडिंग ही अलग आ रहा है तो क्या वैल्यू लिया जाए? तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। मतलब आप बोलो, जनरल भाषा में बोलो तो एवरेज निकाल दो। जनरल भाषा में आप एवरेज निकाल दो। जब आप सारे के सारे मेजरमेंट्स का जो रीडिंग आया है अगर उसका एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज वैल्यू आएगा वही उसका मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू आप मान सकते हैं। मतलब आप मानेंगे कि हाँ ये बॉडी उतने ही का है। जैसे अगर मास बोलेंगे तो वहां जितना रीडिंग आप देखे थे वो सारा रीडिंग का मीन निकाल लीजिए, आप बोलेगा हाँ आपका बॉडी जो है उतने केजी का है। अगर हम इस पेन का लेंथ बोले, आप 10 एक्सपेरिमेंट किए, 10 बार रीडिंग अलग अलग आ गया, तो सारे रीडिंग का मीन निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, वही उसका ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कहलाता है। और मीन निकालना तो आप लोअर क्लास में सीखे है ना, सारे मेजरमेंट्स को ऐड कर देंगे और उसको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज को जरा समझा जाए, बहुत ध्यान से चीज को देखा जाए। मान लीजिए हम हर बार रीडिंग लेते हैं, हर बार है ना मेरा अलग अलग रीडिंग आता है और उन सबका एक मीन वैल्यू निकाल लिए हैं, इसको हम लोग मीन वैल्यू कहते हैं। अब मीन वैल्यू से हर रीडिंग में कोई ना कोई एक डिफरेंस आएगा, कोई ना कोई एक डिफरेंस आएगा। जब आप मीन वैल्यू से फर्स्ट रीडिंग को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। Absolute error of first reading. तो first reading का अगर absolute error निकालना है तो mean value में से first reading को minus कर दीजिए। इसी तरह से mean value में से अगर आप second reading को minus करते हैं तो ये देखिए आप, तो उसको हम लोग कहते हैं absolute error of second reading. ये second reading का absolute error है। इसी तरह अगर आप थर्ड रीडिंग को मीन वैल्यू में से माइनस कर दे, ये मीन वैल्यू है, उसमें से जब आप थर्ड रीडिंग को माइनस करते हैं तो ये एब्सोल्यूट एरर है हम लोगों का थर्ड रीडिंग का। इज दिस क्लियर? अब इसी तरह से अगर आपको एंथ रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फॉर एंथ रीडिंग का अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है एंथ रीडिंग का, तो जो भी आपका मीन वैल्यू होगा उसमें से nth रीडिंग को आप माइनस कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो nth रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब ऐसा सोचो, कुछ एक टिपिकल बात है उसको जरा ध्यान से समझना। मान लो जैसे हमारा मीन वैल्यू है सपोज 10 है, और एक बार का रीडिंग है 10.2, तो जब हम 10 में से 10.2 को माइनस करेंगे, तो वो नेगेटिव आएगा। यस यस सर। मतलब एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह अगर 10 है मेरा मीन वैल्यू और 9.5 है मेरा रीडिंग, तो 10 में से 9.5 को माइनस करेंगे तो क्या वो पॉजिटिव आएगा? यस सर। तो हमारा एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कभी कभी तो जीरो भी होता है। मान लो मीन भी आ गया 10 और रीडिंग भी है 10, तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या वो जीरो आएगा?
Yes, sir. So what is the simple concept you have? You have a concept that absolute error can be positive, negative or zero. जो आपका एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. तो हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है. एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इज दिस क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर. नो सर. ठीक है, चलिए आइए हम आपके सामने है ना कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन रखें ताकि आप है ना इस सब कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सके. ये देखिए आपके पास है एक छोटा सा क्वेश्चन. मान लीजिए आप है ना किसी पर्टिकुलर रॉड के लेंथ को मेजर करते हैं. सबको देखना ध्यान से इसको. आपके पास एक पर्टिकुलर रॉड है, उस रॉड के लेंथ को आप मेजर करते हैं पांच अलग अलग एक्सपेरिमेंट. पांचों बार का रीडिंग अलग अलग है. 15.2 सेंटीमीटर, 15.0 सेंटीमीटर, 14.9, 15.1 एंड 14.8. पांच रीडिंग, पांचों अलग. तो अगर हम बोलेंगे कि बताओ भाई आखिर उस पर्टिकुलर रॉड का लेंथ कितना है, आप उस रॉड का लेंथ बताइए, रॉड का लेंथ बताइए, तो क्या करेंगे? बोलो, तुम ही बोलो क्या करेंगे रॉड का लेंथ के जानने के लिए? मीन वैल्यू निकालेंगे. मीन वैल्यू निकाल लेंगे. वेरी गुड. तो लेंथ का अगर हम मीन निकालने जाएंगे तो पहला रीडिंग है 15.2, दूसरा रीडिंग है हम लोग का 15.0, अगला रीडिंग है हम लोगों के पास 14.9, नेक्स्ट रीडिंग है हम लोगों के पास 15.1 और लास्ट रीडिंग है हम लोगों के पास 14.8. पांच एक्सपेरिमेंट था, 5 से डिवाइड कर दें. ओके, जब आप ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो गौर कीजिए 75/5 आ गया. कहने का मतलब है ना 15.0 आ गया. मतलब आपका जो मीन वैल्यू लिया जाएगा वो 15.0 सेंटीमीटर लेंथ का लिया जाएगा. बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं, तो जो मेरा मीन वैल्यू आया है उसमें से फर्स्ट रीडिंग को माइनस करें, 15.2 को माइनस करें, तो क्या ये -0.2 है? Yes, sir. सेकंड केस, मीन वैल्यू 15.0 है और एग्जैक्ट यहाँ भी वैल्यू 15.0 है, तो इस बार का एरर जीरो है. अगले केस में देखो, 15.0 में से 14.9 को माइनस कर लिए, तो क्या ये +0.1 आ गया. फिर yes, अगले केस में 15.0 में से 15.1 को माइनस कर लिए, तो क्या ये -0.1 आ गया. और फिर अगले केस में 15.0 में से 14.8 को माइनस कर लिए, तो क्या ये प्लस 0.2 आ गया. तो अगर हम तुमसे बोलेंगे कि फोर्थ केस का एब्सोल्यूट एरर बताओ, बोलो फोर्थ केस का एब्सोल्यूट एरर, बोलो फोर्थ केस का एब्सोल्यूट एरर 0.1 -0.1. और अगर हम बोले सेकंड केस का एब्सोल्यूट एरर बताओ, व्हाट इज योर आंसर? 0. और अगर फिफ्थ केस का एब्सोल्यूट एरर पूछ दे तो 0.2. तो कहना ये चाहते हैं कि एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव और इवन एब्सोल्यूट एरर कैन बी जीरो आल्सो. ओके, कोई दिक्कत किसी को? नो सर. नो सर. यहां तक कहीं कोई डाउट? नो सर. नो सर. ठीक, आइए फिर से कुछ और पढ़ते हैं फिर आएंगे. इतना सारा एरर में पढ़ाई करना है, डरना मत. ठीक, ये आ गया हम लोग के पास जहां तक हम लोग वही पढ़ रखे थे. अब यहां पे बात आता है अगला टर्म का, एंड दैट नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. जितना भी आपके सामने एब्सोल्यूट एरर आया है ना, जितना भी एब्सोल्यूट एरर आया है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में, फिफ्थ केस में, सिक्स्थ केस में, एंथ केस में, उन सभी का मीन निकालना है. मतलब मीन निकालने तो आता है सर, सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे, और नंबर से डिवाइड कर देंगे. सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे और नंबर से डिवाइड कर देंगे. यही तो है मीन निकालने का तरीका. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है. तो हमेशा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के समय
सारा का सारा एब्सोल्यूट एरर आपस में जुड़े ऐड हो, उसके लिए आप हमेशा उसका मॉड यूज करेंगे। मॉड मॉड का मतलब हो गया जो प्लस है वो प्लस रहेगा ही, जो माइनस है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो याद रखना कि जब आप मीन निकालेंगे सारे एब्सोल्यूट एरर का, तो आप जो इसका मेजरमेंट करेंगे उसमें सभी एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेंगे, मॉड सही है, मॉड लेंगे। अब सुनना ध्यान से, इन सब पे हम अभी फिर से जाके न्यूमेरिकल आपको दिखा देंगे, अभी आप थोड़ा दो तीन चीज देख लीजिए। जो भी आपको थर्ड केस में मीन एब्सोल्यूट एरर मिला, उस मीन एब्सोल्यूट एरर को जो आपके फर्स्ट केस का मीन वैल्यू है, ये फर्स्ट केस का मीन वैल्यू, जो भी आपके फर्स्ट केस का मीन वैल्यू है, अगर आप उसको मीन एब्सोल्यूट एरर में अगर आप मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर। जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर में जब आप मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर, या दूसरा नाम है इसका फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या इसी का दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। ओके, अगला सुनो। YM क्या था? YM जो हम लोग फर्स्ट केस में निकाले थे ना, मीन वैल्यू, याद आया? एकदम सबका मेजरमेंट को जोड़ के एन से डिवाइड कर दिए थे, मीन वैल्यू फर्स्ट केस, ये वो है। ठीक है, मीन वैल्यू है, और थर्ड वाला मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसी का रेशियो रिलेटिव एरर कहलाता है, रिलेटिव एरर आपके सामने। अब आइए कि जो आपका रिलेटिव एरर आ गया, जस्ट उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करते, जैसे ही आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा, और उसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, और फाइनली जब आप आंसर लिखेंगे एरर के साथ, मान लीजिए अब आपको आंसर लिखना है विथ एरर लिमिट, अब आपको एरर लिमिट के साथ आंसर लिखना है, तो आपका जो फर्स्ट केस में मीन वैल्यू आया और जो आपके पास थर्ड केस में मीन एब्सोल्यूट एरर आया, आपको जो फाइनल आंसर लिखना है वो इस तरीके से लिखना है, मीन वैल्यू प्लस माइनस थर्ड केस का मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ऐसे आपको फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है सर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट, थोड़ा है ना कुछ कैलकुलेशन दिखा दे। बिल्कुल, जरा गौर करो, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास, ठीक है, तो हमारे पास मीन वैल्यू 15.0 सेंटीमीटर था, हम लोग हर केस का एब्सोल्यूट एरर निकालें, अगर हमको इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन के लिए ऊपर बार भी यूज करते हैं, तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट का मॉड लेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट एरर सेकंड का भी मॉड लेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट एरर थर्ड केस का भी मॉड लेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट एरर फोर्थ केस का भी मॉड लेंगे, और हम लोग एब्सोल्यूट एरर फिफ्थ केस का भी मॉड लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और सबको डिवाइड करेंगे 5 से, बोलो समझे? यस सर। चलो डाटा बताते चलना, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। फर्स्ट केस का एब्सोल्यूट एरर का मॉड कितना लेंगे? क्या ये 0.2 आएगा? ये 0.6/5 आ रहा है। कहने का मतलब क्या ये 0.12 आ रहा है? बोलो समझे? तो अगर हम इस दिए गए डाटा के हिसाब से तुमसे पूछ लें What is mean absolute error in measurement of length? Then your answer is 0.12. Is this clear? Yes, sir. अब third case पे आ जाओ। Third case हम तुमसे पूछते हैं। Third case नहीं, fourth case पूछ रहे हैं, मतलब relative error पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं। अब कौन सा case है तुम देख ले। मान लो relative error हम तुमसे पूछ रहे हैं। तो ये relative error में यही ना सीखे थे कि जो भी हम लोगों का mean absolute error आया है, उसमें मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें। यस सर।
तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, क्या वो 0.12 आया और मीन वैल्यू आया था 15.0? यस सर। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0.008 आएगा। डिवाइड करना है ठीक से, ये रिलेटिव एरर। अच्छा अगर हम इसी केस में परसेंटेज एरर तुमसे बोल दें, अगर इसी केस में परसेंटेज एरर बोल दें तो जो भी हम लोगों का रिलेटिव एरर आया है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 0.8%। बोलो समझे यहां तक? यस सर। और अगर हम फाइनली तुमसे बोले कि लेंथ को रिप्रेजेंट करो विथ एरर लिमिट, तो पहले लेंथ का तुम मीन वैल्यू लिखो और प्लस माइनस उसमें लेंथ का मीन एब्सोल्यूट एरर लिखो। तो लेंथ का मीन वैल्यू था 15.0 और प्लस माइनस लेंथ का मीन एब्सोल्यूट एरर था 0.12 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सारा का सारा डाटा को है ना एकदम दिमाग में बैठाइए कि क्या पढ़ाए हैं और कैसे पढ़ाए हैं। हम इसको और छोटा करते हैं ताकि ये सारा का सारा एक फ्रेम में सेट हो सके, ताकि आप सब चीज को देख के अपना दिमाग बना पाए कि हाँ जो आप पढ़े हैं वो है क्या। सी दैट, इज दिस क्लियर? सबको दिख रहा है? यस सर। दिमाग बनाओ, देखो पांच अलग अलग रीडिंग, 15.2, 15.0, 14.9, 15.1 एंड 14.8। सबसे पहले इसका मीन वैल्यू, जिसका दूसरा नाम ट्रू वैल्यू है, तीसरा नाम एवरेज वैल्यू है, वहां से मीन निकाले। फिर उसके बाद हर केस का एब्सोल्यूट एरर निकाले, जो कहीं प्लस आया, कहीं माइनस आया, कहीं जीरो आया। फिर जितना भी एब्सोल्यूट एरर आया था सबका मीन निकाले, जिसमें मॉड को यूज किए, और वो मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.12। उसके बाद उसका रिलेटिव एरर निकाले, परसेंटेज एरर निकाले और फाइनली आंसर। डिड यू गेट दिस? यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो क्या एक क्वेश्चन दे आपको बनाने के लिए, आप बनाएंगे इस तरह का न्यूमेरिकल एक? यस सर। Yes, तैयार हो जाइए, यू हैव अ क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करना है। जस्ट वेट, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट किया गया है और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पांच अलग अलग मेजरमेंट है। आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताना है विथ एरर लिमिट, आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताना है विथ एरर लिमिट एंड दिस इज योर क्वेश्चन। सी दैट क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो इसको फटाफट से, वेट कर रहे हैं हम आपका। कैलकुलेशन सही कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए और जो आपसे 6 क्वेश्चन इसमें पूछा गया उसका आंसर दीजिए। गो फास्ट, अभी जरा इसको देखिए, जरा इसके नीचे इसका कैलकुलेशन अब आपको दिखाते हैं। ये पांच अलग अलग रीडिंग है, पांचों का अलग अलग वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड रीडिंग है, ये आपका थर्ड रीडिंग है, ये आपका फोर्थ रीडिंग है, ये आपका फिफ्थ रीडिंग। तो सबसे पहला फंडामेंटल बात था कि आपको मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालना था, तो आप सभी का है ना एड किए और उसमें 5 से डिवाइड कर दिए एंड द मीन वैल्यू ऑफ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.26। तो अगर कोई तुमसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बता दो, देन योर आंसर इज 1.26। अब जरा सुनना ध्यान से समझना, अगर हम लोग फर्स्ट केस का एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते तो जो भी मीन वैल्यू है उसमें से उस रीडिंग को माइनस कर दिया एंड इट कम्स टू बी 0। सेकंड केस के लिए मीन वैल्यू में से सेकंड रीडिंग को माइनस कर दिया, इट कम्स टू बी 0.02। इसी तरह हर केस का अपना अपना एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए माइनस कर। नेक्स्ट आया थर्ड केस में, थर्ड केस में आपको आया मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो जैसा हम सिखा चुके हैं, हर एब्सोल्यूट एरर का आप मॉड यूज करेंगे, हर एब्सोल्यूट एरर का आप मॉड यूज करेंगे, सबको ऐड किए और 5 से डिवाइड कर दिए क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 5 था। जब आप इसको सॉल्व किए देन इट कम्स टू बी 0.024। किन किन का आंसर आया था 0.024? मीन वैल्यू है सबका मीन वैल्यू।
अब आपको रिलेटिव एरर निकालना था, रिलेटिव एरर के लिए जो भी आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसमें आप मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब 0.024 में आप 1.26 से डिवाइड कर दे, मीन वैल्यू आया था ना पीछे 1.26, yes, sir. ये वाला? Yes, sir. तो इसे 1.26 yes, sir. से आप डिवाइड कर दें, अब जो आएगा वो आपका आंसर होगा, डिवीजन आप खुद से कर लीजिएगा, हमको इसमें कुछ नहीं बताना है। अब आपके पास जो भी आया रिलेटिव एरर उसको आप बस 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है। और जब आपको फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना रहेगा एरर लिमिट के साथ, तो जो मीन वैल्यू आया उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर को आप ऐड करके दिखा दें, एंड दिस इज योर आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, आप में से किस किस का सही हुआ बताओ जरा, किस किस का इसमें सही हुआ, हाथ उठा सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, और जिनका नहीं बना, कहीं डाउट है आप बोलो, हम आपको फिर से बता देंगे। कोई इशू, कोई एक टॉपिक जिसको नहीं समझ पाए हो आप लोग, या कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपका गहना है, कहने का मतलब आप लोग है ना कैलकुलेशन में इतना ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि लगता है कि फिजिक्स का नंबर नहीं आएगा, वाकई में फिजिक्स का नंबर नहीं आएगा अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। कैलकुलेशन के बगैर फिजिक्स कैसे कीजिएगा, मैथमेटिक्स पे ही फिजिक्स खत्म होगा, फिजिक्स हमेशा खत्म होगा मैथ्स पे, फाइनल आंसर आप बिना कैलकुलेशन के नहीं लिख पाइएगा, तो कैलकुलेशन आपका होना ही चाहिए और परफेक्ट वे से होना चाहिए। क्या किसी को कॉन्सेप्ट वाइज कोई न्यूमेरिकल में डाउट है या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है? कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए, वेरी गुड। नो ठीक, हम आपको अभी इसके साथ जब आपका ये पीडीएफ भेजेंगे ना, तो इसके साथ हम एक न्यूमेरिकल अटैच कर देंगे, तो आपको है ना वो क्वेश्चंस बनाना होगा, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा। okay, अब आइए एक बड़ा चीज हम लोग डिस्कस करने के जस्ट कगार पे पहुंचे हुए हैं, उसका नाम है अलजेब्रिक ऑपरेशन यूजिंग एरर लिमिट। मतलब अभी तक बिना एरर के जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था, लेकिन अब एरर रहेगा तो आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये करना है। इसका डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, लेकिन हम आपको डेरिवेशन करके एक दो जगह दिखा देंगे कि फॉर्मूला मेरा कैसे आएगा। उसके बाद केवल फॉर्मूला पे है ना आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट चार्ट बना के दिया जाएगा, जिसपे अगर आप अच्छे तरीके से कमांड रखेंगे आप इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। याद रखिएगा इस टॉपिक का क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर होगा, इसमें हम 5 अलग अलग चीज आपको पढ़ाने वाले हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और एक होगा एक्स्ट्रा जो पावर का एक्सपोनेंट फंक्शन दिखाएगा। तो जो पावर वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां जो आप पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5 तक पहुंचिएगा कब, जब 4 को आएगा तब। तो 4 का पहला वाला डिस्कशन आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो जैसे पहले हो क्या रहा वो देखते हैं। मान लीजिए हम आपको ये कह दें कि देखो जी एक बैग है जिसमें सैंड है और उसका वजन है 10 ± 0.4 kg, ठीक है, 10 ± 4 kg, ये बैग वन है। और फिर एक और सैंड का बैग है, बैग टू है, और उसका वजन है 6 ± 0.5 kg। अब अगर हम बैग दोनों के बैग का जो सैंड था उसको अगर आपस में हम मिक्स कर दे, ठीक है ना, कंबाइंड मास, तो मास अगर आप कंबाइंड निकालने चलेंगे तो क्या आपको दोनों मास को ऐड करना पड़ेगा, बोलो सही है या नहीं? दोनों मास को आपको ऐड करना पड़ेगा, दोनों मास को आपको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब जो आप कंबाइंड मास देख रहे हैं वो अलजेब्रिक ऑपरेशन में बोला जाए तो एडिशन रूल से आएगा। सर अगर एरर का बात नहीं होता तो सर हम तो अभी आपको आंसर बताते कि 10 + 6 = 16 kg, बोलो सही है कि नहीं? यस सर। बिना एरर के 10 और 6 = 16, और क्या, अब इसमें तीर मारना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, दोनों है, अगर एक 10 kg का एक 6 kg का दोनों को मिला दीजिएगा तो 16 kg, इसमें कोई बड़ा बात थोड़ी ना है, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, 10 + 6 = 16 होगा। लेकिन एरर के साथ क्या होगा,
बिना एरर के तो हम सीधा सीधा आंसर बोल देंगे 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 केजी, लेकिन एरर के साथ क्या होगा, विथ एरर क्या होगा, यही हम लोगों का मेन कंसर्न है कि एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात समझ में आई ना, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एडिशन वाला बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत आराम से चलता है, तुरंत आंसर दे देता है। मान लो हमारे पास एक से एक फिजिकल क्वांटिटी है जो a प्लस बी है, बिना एरर के a प्लस बी है। अब अगर हम उसमें एरर लिमिट लगा दें तो a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल a, b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल b, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे x में भी एक एरर आ जाएगा, x प्लस माइनस डेल x, थोड़ा ब्रैकेट खोल दो राइट हैंड साइड में, उसको एक्सपेंड होने दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस माइनस डेल x, राइट में a प्लस माइनस डेल a एंड b प्लस माइनस डेल b आ गया। इसमें से a और b को हम लोग x के साथ कैंसिल कर दिए क्योंकि शुरू में देख लो दोनों बराबर है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में x का प्लस माइनस डेल x रहा और राइट हैंड साइड में a का प्लस माइनस डेल a और b का प्लस माइनस डेल b। क्या यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब जब साइंस यहां तक पहुंचा तो स्टूडेंट लोग तेज होता है भाई, जो साइंस में हमेशा है ना, अभी देखो मेरे से अगर एक गलती हो जाए, जैसे हम जैसे लिख दें 3 + 2 = 4, सब स्टूडेंट लोग चढ़ जाएगा मेरे ऊपर, कौन मास्टर है, 5 की जगह 4 लिखता है। ठीक है, तो साइंस को यहाँ पे जब इसमें गड़बड़ होने लगा तो साइंस रुका, बोला गड़बड़, अच्छा सबको है ना अच्छा तरीके से उसको है ना बेवकूफ बनाने लगा। क्या बोला? अच्छा ठीक है, प्लस माइनस है ना, तो मेरा 4 आंसर होगा, एक ही क्वेश्चन का 4 आंसर। हम ए को प्लस लेंगे, बी को प्लस लेंगे तो एक आंसर आएगा, हम ए को प्लस लेंगे बी को माइनस लेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, हम ए को माइनस और बी को प्लस लेंगे तीसरा आंसर आएगा, हम ए को माइनस लेंगे बी को माइनस लेंगे चौथा आंसर आएगा। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. साइंस को इस तरह का 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी का सामना करने पड़ा तो उस समय वो एक वर्ड निकाला, बोला एरर। जब कभी भी आज के बाद एरर का कैलकुलेशन कोई भी करेगा, चाहे हम हो तुम हो, साइंटिस्ट हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई राह चलता इंसान हो, कभी भी अगर कोई भी एरर का कैलकुलेशन करेगा तो वो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेगा, जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो निकालेगा। अब जब बात आ गई कि मैक्सिमम एरर ही निकालना है केवल, तो आप भी समझ रहे हैं कि वो मैक्सिमम एरर तो केवल इसी केस में आएगा। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। अब क्या ये तीनों पॉसिबिलिटी तुम लेके आंसर दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो याद रखना, एरर में चाहे लिखा रहे या ना लिखा रहे, हमेशा तुमको निकालना होगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए याद रखिएगा कि डेल ए प्लस डेल बी करना है, दोनों एरर को ऐड करना है, डेल ए प्लस डेल बी करना है, दोनों एरर को ऐड करना है, डेल ए प्लस डेल बी करना है, दोनों एरर को ऐड करना है। क्या मेरी बात दिमाग में गई? यस सर। तो चलो देख के बताओ, जो हम लोग क्वेश्चन सेट किए थे, उसका आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या हम डेल एम जब लिखेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखेंगे, तो डेल एम 1 का और डेल एम 2 को ऐड कर दें? तो डेल एम 1 है मेरा 0.4 और डेल एम 2 है मेरा 0.5, तो क्या ये 0.9 है? तो अब जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, मास का, तो बिना एरर के 16 और प्लस माइनस एरर है 0.9। इज दिस क्लियर? समझ में आया सबको? यस सर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। चलिए ठीक। अगले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, देना है अभी, देख के तुरंत आंसर दे देना है, कोई बहुत बड़ा झमेला खड़ा नहीं करना है, तुरंत आंसर दे देना है। चलो बताओ, अगर मेरे पास दो रजिस्टर है, एक R1 है हम लोगों का 10 ± 0.4 ओम, एक R2 है हम लोगों का 4 ± 0.1 ओम, और उन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दिए सीरीज में, तो बताओ R equivalent बताओ एरर लिमिट के साथ, क्या सीरीज में आपको याद है? -0.5 सीरीज में आपको पता है कि R इक्विवेलेंट दोनों का सम होता है, करेक्ट ना? तो बिना एरर के 14 होगा, लेकिन जब हम डेल R इक्विवेलेंट लेंगे तो डेल R1 और डेल R2 को ऐड करेंगे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो डेल R इक्विवेलेंट 0.5 होगा। सो योर फाइनल आंसर इज 14 ± 0.5 ओम। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, मेरा काम है थोड़ा इसमें थोड़ा तुमको और परेशान कर देना। नीचे जाओ और देखो जरा, दो तीन बात पूछा गया।
ये जो 0.5 ओम आया है वो उसका नाम क्या है, क्या वो एब्सोल्यूट एरर है आर इक्विवेलेंट का? अरे यार ये एब्सोल्यूट एरर ही है ना, एब्सोल्यूट एरर ही है ना, इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट एरर। अच्छा अगर हम एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर जो आर इक्विवेलेंट में था अगर हम उससे आर इक्विवेलेंट को डिवाइड कर देंगे तो क्या ये रिलेटिव एरर हो जाएगा मेरे आर इक्विवेलेंट का? Yes, sir. और जैसे ही हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वो परसेंटेज एरर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का? Yes, sir. तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा इस हिसाब से आपको अपने दिमाग को तैयार रखना है कि हम हर चीज का आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। अगर हम आपसे पूछ दें व्हाट इज द रिलेटिव एरर, इस मेजरमेंट का रिलेटिव एरर क्या है, तो आप बोलेगा रुकिए सर डेल एम निकालिए उसमें एम से डिवाइड कीजिए। डेल एम था सर आपका 0.9 और एम था 16। बोलो सही है? यस सर। यहाँ पे तुमसे बोल दे परसेंटेज एरर निकाल के दिखाओ, तो जो भी आप रिलेटिव एरर 0.9/16 लिखे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। क्या किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, वेरी वेरी गुड। ये आपका आज का सेक्शन रहेगा क्योंकि इसके बाद जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो अगले दिन हम लोग एक साथ है ना सारा का सारा डिस्कशन एक साथ इसमें कंबाइन करके खत्म करेंगे। यहाँ तक किसी को भी डाउट, अगर डाउट है तो पूछ लो, अभी सामने है सब कुछ। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर, हम आपको सब कुछ एक फ्रेम में दिखाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको दिख जाए सब कुछ। हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, आप देखते जाइए। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ है ऐसा जहां पूछना है तो पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। तो यहाँ तक आज आपका क्लास रहा। अच्छा एक चीज पूछ रहे हैं, क्या आप लोग